नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ विंड चाइम्स के बारे में। आवाज सुन पा रहे हैं आप विंड चाइम्स की? कितनी प्लेजेंट, कितनी सूदिंग, ऐसा लगता है जैसे कि एक पॉजिटिव एनर्जी की आहट हमारे घर में हो रही है। वास्तुशास्त्र में सिंबल्स और डिस्प्ले आर्टिकल्स का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि वो हमारी घर के एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव बनाते हैं और साथ ही साथ हमारी कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअलाइज करते हैं। वास्तुशास्त्र और फेंगशुई में दोनों में ही विंड चाइम्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है। आपने देखा है जैसे ही हवा चलने पे विंड चाइम्स की आवाज होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमें बता रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में एंटर कर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो मन है वो इस मोमेंट में आ जाता है और सडनली हमको याद आ जाता है कि हम अलाइव हैं और ये पॉजिटिव ऊर्जा तो हमारे घर में आ रही है। विंड चाइम्स की जो आवाज है वो बहुत ही प्लेजेंट होती है और एकदम से हमारे मन को भी प्लीज कर देती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार विंड चाइम्स को यूज करते समय हमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आती है कि वास्तु इज ऑल अबाउट डायरेक्शंस, तो हमको ये विंड चाइम्स जो है ये लगानी कहाँ पे चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार वैसे तो विंड चाइम्स को वायुव्य कोण में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में लगाया जाता है, क्योंकि ये विंड से रिलेटेड है। अगर आप मेटल की चाइम्स लगाते हैं तो आप उनको वेस्ट जोन में भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो विंड चाइम्स को लगाने की कोई खास ऐसे डायरेक्शन नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो एयर के मूवमेंट से रिलेटेड है एंड इट इज जस्ट सिंबॉलिक ऑफ रिंगिंग अ बेल ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी कमिंग इन टू आवर हाउस। आप विंड चाइम्स को नॉर्थ में लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेटल की विंड चाइम्स लेते हैं तो वास्तु के अनुसार आपको उनको नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट या फिर नॉर्थ में लगाना चाहिए। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि बैम्बू की भी विंड चाइम्स आती हैं। अगर आप बैम्बू की विंड चाइम्स लगाना चाहते हैं तो आप उनको साउथ या साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं, बट मेटल विंड चाइम्स विद हॉलो पाइप्स आर मच बेटर, क्योंकि उनकी साउंड बहुत अच्छी होती है और बहुत क्लियर होती है। विंड चाइम्स जो है वो 3 रॉड्स वाली भी आती है, 4, 5 इनफैक्ट 6 रॉड्स वाली भी आती है, और ये कहा जाता है कि जो 6 रॉड्स वाली विंड चाइम्स होती है वो काफी ऑस्पिशियस होती है। 5 रॉड्स वाली हमारे घर में हेल्थ लाती है। 4 रॉड्स वाली जो विंड चाइम्स होती है कहा जाता है कि वो प्रेजेंट करने के लिए किसी को अच्छी रहती है। 3 रॉड वाली विंड चाइम्स भी हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी लाती है, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगी कि आप 6 रॉड वाली विंड चाइम्स को अपने घर में लगाएं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेटल विंड चाइम्स दे प्रोड्यूस अ मच बेटर इफेक्ट एंड दे रियली मेक द हाउस मोर पॉजिटिव एंड दे आर द वंस दैट शुड बी प्रेफर्ड। तो आप भी जो है आज अपने घर में विंड चाइम्स लेके आइए, क्योंकि ये वास्तु का एक बहुत ही पॉजिटिव डिस्प्ले आर्टिकल है। इनफैक्ट एक यंत्र है जो कि आपके घर की एनर्जी को और पॉजिटिव कर सकता है। एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में कोई ऐसी बालकनी नहीं है और आप उसे किसी विंडो या डोर की जगह लगाना चाहते हैं तो ऐसी जगह लगाएं जहां पर कि हवा का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा हो। और अगर आप किसी दरवाजे के ऊपर टांगते हैं तो बहुत देर तक उस विंड चाइम के नीचे खड़े नहीं रहें, क्योंकि विंड चाइम आपके घर की नेगेटिविटी को डिसिपेट करती है और अगर आप उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो नेगेटिविटी जो है वो आपको प्रभावित कर सकती है। तो दिस इज वन गुड थिंग दैट यू शुड ऐड इन टू योर हाउस। यू मस्ट गेट अ विंड चाइम और उसे अपने किसी बालकनी में लाके लगाएं और उसकी पॉजिटिव एनर्जी से अपने पूरे घर को वाइब्रेट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे।